हमारे को आने में भी थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसी वजह से मुझे देर हो गया। और अभी हम लोग देखिए, आप ये शोर सुन ही रहे होंगे कि कितना शोर हो रहा है यहाँ पे। तो अब मैं बहुत तेज़ बारिश हो गई है, हम लोग सारे गीले हो चुके थे हम लोग बारिश में, तो इसी वजह से ब्लॉग आने में टाइम लग गया। और ये देखिए कितना तेज़ बारिश है पूरा, तो बहुत बिजी थी मैं, तो इसी वजह से प्रसाद वगैरह सब बनाना था मुझे, और यही सब में मुझे देर हो गई, तो इसी वजह से मैं नहीं बना पाई। तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं जो हमारा पिछला वीडियो। अब आ गई हूँ मैं घर के अंदर, और मैंने जो लास्ट वीडियो में आपसे बात किया था कि मैं आपको स्विंग मशीन के बारे में बताऊंगी, जो कि मैंने मीशो मशीन है जो मैंने मीशो से फिर उसमें आपके साथ शेयर करूँगी। चेंज हो जाएंगे तो सेल बहुत जल्दी ख़त्म होंगे, आप थोड़ा सा भी सिलोगे और सेल ख़त्म हो जाएंगे, एक तो ये प्रॉब्लम है उसकी। दूसरी ये कि जब सिल रही थी तो वो सिलाई जो है वो थोड़ी देर थोड़ा सा अच्छा सिल रहा था, फिर गेट बढ़ रही थी, फिर अच्छा सिल रहा था, फिर गेट बढ़ रही थी, तो इस तरह से उसकी सिलाई हुई। फिर दूसरी बात, जब मैंने सुई और कपड़े के बीच का धागा तोड़ा तो वो धागा भी टूटा ना, तो जब धागा को मैंने पकड़ा तो पूरा हाथ में आ गया मेरे, और पूरी जो सिलाई की थी वो सारी की सारी निकल गई। अब ऐसे ही कम से कम 10 बार सिल के देखा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि हो सकता है कि मेरे साथ हो, क्योंकि मैंने इसके यूट्यूब पर और भी वीडियोस देखे हैं सिल मशीन के, पोर्टेबल मशीन के, तो वो उनकी तो बढ़िया सिलाई हो रही है। और हाँ, उनने थोड़ी सी सिल के देखा है बस, तो जब मैंने भी फर्स्ट ऐसे कपड़े को सिला था ना तब अच्छा सिल गया था, लेकिन जब मैंने वो धागे को तोड़ा तो फिर वही हाथ में आ गया मेरे, तो मतलब वो उस टाइम तो अच्छा सिलता हुआ दिख रहा है, लेकिन जब उसको आप मतलब उसको धागे को तोड़ोगे और उसके बाद उसको जब पहनोगे या जो भी आपका फटा है या आप नया भी कुछ सिल रहे हो, तो जब वो होगा तो उसकी सिलाई निकल जाएगी। दूसरी बात, इसमें जो पीछे के जैसे आगे तो ऐसा सिला हुआ दिखता है, और उसका जो बैक साइड आप देखोगे ना तो उसमें वो चेन बनी हुई आती है। नॉर्मल मशीन से सिलाई करते हैं तो उसमें एक धागा सुई में होता है और एक धागा नीचे के साइड भी होता है जिसको बाबिन बोलते हैं, तो उसमें भी एक धागा होता है, और ये वाली मशीन में केवल एक ही धागा होता है, एक ही बाबिन जो ऊपर लगी होती है, जो मैंने आपको बताई थी कि काले और सफ़ेद रंग के दो गिरवियाँ मिली थी मुझे, तो वो लगा ली, तो एक ही धागा होता है जो सुई में डाला जाता है, वही सुई नीचे जाती है, चेन बनाती है, फिर आगे बढ़ती है, फिर चेन बनाती है, फिर आगे बढ़ती है, इस तरह की उसकी सिलाई है। तो मुझे तो यही लग रहा है कि वो जो धागा हम उसको तोड़ेंगे तो वो हाथ में आ जाएगा, मतलब उसकी सिलाई पक्की नहीं है, कच्ची सिलाई है, वो यूज़फुल है तो मेरे लिए तो बिल्कुल वो कोई यूज़ की नहीं है, और वो फेंकने मतलब मेरे लिए तो कोई काम की नहीं है वो, इसलिए मैंने उसको रिटर्न लगा दी, और वो आज आ भी गया और ले भी गया रिटर्न में, कल ही मैंने उसको लगा दिया था। तो फ्रेंड्स, अभी बात करते हैं बिग बॉस की, तो बिग बॉस 17 अभी स्टार्ट होने वाला है 15 से, जिसकी अफवाह है तो उड़ती चली जा रही है कि कौन कौन आने वाला है, लेकिन मैंने सुना है कि इस बार फिर यूट्यूबर्स का धमाका होने वाला है, जैसे कि अभी बिग बॉस OTT सीज़न 2 में हुआ था, उसी तरह से अभी 17 में भी शायद से यूट्यूबर्स को बुलाएंगे, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा दो नाम सुनने में आ रहे हैं, खुशी चौधरी, उनका ब्लॉग चैनल है, और दूसरा है नीतू बेस्ट रावत। ये भी आपको मेरा चैनल लाइफ जर्नी कैसा लगता है बताएगा ज़रूर कमेंट करके, और मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं वो भी बताइएगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता हो या यूज़फुल लगता हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, बगैर बिल्कुल मत जाइएगा। थैंक यू सो मच।